ये भाई सब खाने में लगे हैं अभी, कुछ नहीं बोल रहे इसलिए इनका जर्सी नंबर 77 77 जर्सी नंबर 77 बताओ। बहुत मस्त अंडा पराठा तो अच्छा है, लेकिन हमने अभी ऑमलेट ऑर्डर किया, वो पता नहीं कैसा आएगा। अभी हम हर्सिल वैली में हैं और बाहर निकल गए हैं, ब्रेकफास्ट करेंगे उसके बाद जाएंगे दिखाएंगे कि क्या क्या है हर्सिल वैली में। ठंड बहुत है यहाँ पे भी, एंड अभी फ़ोन से शूट कर रहा हूँ तो फ़ोन की बैटरी फुल हो तब भी वो ड्रेन आउट हो जाती है एक सेकेंड। अभी हम निकल चुके हैं हर्सिल घूमने के लिए, यहाँ पे कुछ लोकलाइट्स हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ से हमारे रिजॉर्ट से 2-3 किलोमीटर दूर पे कुछ कोई गांव है, वहाँ पे हम घूम के आ सकते हैं। तो चलो चलते हैं, तब तक आप नज़ारे लीजिए रोड के। खड़े हैं बगोरा गांव में और ये गांव पूरा बंद पड़ा है, एंड आपको दिखाता हूँ मैं गांव कैसे। फाइनली वी हैव रीच्ड, एक मार्केट सी है यहाँ पे छोटी सी गांव के बीच में ही। अभी ऐसी मार्केट तो मैं दिखी नहीं कोई, बट ये गांव के बीच में एक मार्केट है। आई थिंक यहाँ पे हमें कुछ मिल जाएगा जो भी हमें वुलन क्लोथ्स वगैरह लेने हैं, तो यहाँ से हम ले सकते हैं। यहाँ पे हम पहुँच गए हैं, ये वुलन वुलन क्लोथ्स की दुकान है भैया, ये उषा वुलन है, यहाँ सब फेमस है वुलन, एप्पल वुलन बहुत फेमस है, वुलन एप्पल और राजमा। ओके सब फेमस चीज़ है वुलन एप्पल और राजमा। बगोरा गांव है ना, बगोरी गांव है ये, एंड यहाँ पे एप्पल वुलन बहुत फेमस, वुलन तो 100% है, 1% भी मिक्स नहीं हुआ। ओके जी, यहाँ पे हमें एप्पल जूस मिल रहा है, बिल्कुल प्योर एप्पल से निकला हुआ, और ये शुड मिलेगा आपको यहाँ। ये भैया है हमारे जो हमें एप्पल जूस पिलाएंगे, आपका नाम क्या है? भूपेंद्र जी हैं जो हमें एप्पल जूस पिलाएंगे आज, बिल्कुल प्योर।
हमारे पास आ गया फ्रेश एप्पल जूस। जी यहाँ पे ये एप्पल के बाद के अभी हमने फ्रेश जूस पिया, बहुत अच्छा था एंड इट वाज रियली अ फ्रेश जूस बिकॉज देर वाज नो प्रिजर्वेटिव्स एंड नो एडिड कलर्स एंड देर वर नो वाटर एंड समथिंग लाइक दैट, नो एडल्ट्रेशन एट ऑल।